जी दोस्तों, अगर अभी आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या अभी आने वाले हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपका कोई नॉन स्टूडेंट वीज़ा पे है तो उसे वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग वर्क आवर्स रिस्ट्रिक्शन, और आगे जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है उसके ऊपर एक नई अपडेट आई है। राम राम जी, मेरा नाम है सचिन धवन और फिलहाल आप मुझे देख रहे हैं एडलेड ऑस्ट्रेलिया से। तभी फिलहाल हुआ क्या था कि कोविड के टाइम पे अपने जो मैन पावर थी उसकी शॉर्टेज हो गई थी। उसके कई कारण थे। पहला कारण था कि इमिग्रेशन कम हो गई थी, जिसकी अपन वायरस के वजह से उन्होंने जो भी फ्लाइट्स थी वो बंद हो गई थी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, कोई भी नहीं आ रहा था। तो और यहाँ के भी लोग अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो रहा था तो उसको भी रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ रहा था, इसलिए मैन पावर कम हो गई थी। उस टाइम पे उन लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स के लिए जो वर्क आवर्स की पहले कैप होती थी 20 आवर्स पर वीक, वो हटा दी थी। दे कैन वर्क मोर दैट टाइम, और वो था 30 जून 2023 तक। लेकिन अब उन्होंने देखा कि स्टिल देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ शॉर्टेज, तो उन्होंने उसके ऊपर एक अपडेट दी है। तो अपडेट ये है कि जो आप पहले वीक फोर्टनाइट में 40 आवर्स पर वीक कर सकते थे, अब वो फोर्टनाइट में आप 48 आवर्स कर सकोगे। जो स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं, आप ये उसमें लिस्ट भी दी गई है आपकी कौन से स्टडी वाले कर सकते हैं, ये आप वो जाकर इमिग्रेशन की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा, यू कैन चेक ऑल योर डिटेल्स ऑन इट। ये क्या है, कब तक है, क्या सीन होगा, क्यों हो रहा है, सब कुछ होगा उसमें। अगर आप नए आ रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं, आपके वीज़ा से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं। ये थी पहली अपडेट, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। नॉर्मली आप 40 आवर्स करते थे, अब वो 48 आवर्स हो गया। फिर भी 8 घंटे भी मैं कहूँ तो फोर्टनाइट में काफ़ी होते हैं अगर आप लीगली काम करना चाहो। इलीगल मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, इट कैन लीड टू मैनी डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। और दूसरी न्यूज़ ये है कि आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखी होगी, उसके अंदर था कि अभी इनका एक समिट हुआ था जिसमें उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को एक्सटेंड करने की बातें चल रही थी। अब इनका ये अपडेट है कि अगर आपका TR एक्सपायर हो रहा है 1 सितंबर एंड आई थिंक 31 जुलाई 2023 के बीच में, प्लीज़ कन्फर्म करने के लिए आप ज़रूर ज़रूर वेबसाइट पर जाएँ, वरना मैं यहाँ पर एक फ़ोटो भी डाल दूंगा। तो जो इस टाइम पर अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और आपने ऑस्ट्रेलिया में काम किया है एंड यू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमी एंड इट डिपेंड्स ऑन सम पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन एज वेल, तो आपका भी जो वर्क वीज़ा है वो 2 ईयर की आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। बट इट मे वेरी फॉर ऑल डिटेल्स आई वुड सजेस्ट यू टू आदर गो टू अ माइग्रेशन एजेंट और चेक ऑन द वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट्स, ओनली एंड ओनली ऑफिशियल वेबसाइट्स। और दोस्तों, अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें आप ज्वाइन करके आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप जितना हो सके मुझे पर्सनल मैसेज ना भेजें, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि मैं क्वेश्चंस की रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मैसेजेस सीन हो जाते हैं, तो इट डजंट लुक गुड। और मैं कुछ ना कुछ अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम पे भी डालता रहता हूँ, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर एज वेल। आप इंस्टाग्राम पे जाकर धवन सचिन डालेंगे तो आपको मेरा अकाउंट मिलेगा, यू कैन फॉलो ओवर देयर एज वेल। और अगर आपको कोई भी और अपडेट पूछनी है, कुछ और भी आपको जानकारी लेनी है, तो प्लीज़ मैसेज अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड वॉट एल्स यू वुड लाइक टू सी, आप और किस टाइप की वीडियो देखना चाहेंगे। मैं जल्दी ही नर्सेज के ऊपर और वीडियोज़ लाने वाला हूँ कि उनका यहाँ लाइफ स्टाइल कैसा होता है, वर्क एंड होम में क्या बैलेंस कैसे बनाया जाता है, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। अभी थोड़ी लाइफ बिजी चल रही है तो इसलिए वीडियोस थोड़ी कम आ रही होंगी। बाकी इन वीडियोस को ऐसे देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। बाकी अगर किसी का मैसेज का रिप्लाई रह जाता है तो तेरी मर्जी।